खबर जहां पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर रिएक्शन दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया में जनसंघ के जीन से ऐसा वो कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सिंधिया परिवार ने लंबे समय तक जनसंघ के लिए काम किया है, नए व्यक्ति के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है और हम इसको लेकर कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी सभी 24 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सिंधिया परिवार ने लंबे समय जनसंघ का काम किया है, इसलिए जो अंदर के जीन से वो तो जनसंघ के ही जीतेंगे, सब 24 जीतेंगे। किसानों में कांग्रेस के खिलाफ बहुत नाराजगी है, कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया है और वादा किया था कि हम कर्ज माफ़ करेंगे, वादा किया था कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, वादा किया था कि वे सब सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो जिनके ऊपर कर्ज है वो सब कर्ज माफ़ करेंगे, वादा किया था कि किसान जो दूध उत्पादक है उन दूध उत्पादकों को हम सब्सिडी देंगे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए लोग मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस ने धोखा दिया और इसलिए कांग्रेस से लोग नाराज़ हैं।